तो एक और एक्साइटिंग एपिसोड में दोस्तों आपका स्वागत है। डॉग लवर की सीरीज चल रही है, हम आए हैं झुमझुमी पेट वर्ल्ड पे और आज एक और ब्रीड के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा और काफी क्वेश्चन इसको भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे जैसे हम हर एपिसोड को बनाते हैं। हेलो रोजर भाई साहब, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। तो आज आप कौन सी ब्रीड हमको दिखाने वाले हैं इस एपिसोड में? ये है अमेरिकन स्टैनफोर्डशायर टेरियर। ये टेरियर ग्रुप से बिलोंग करता है। ओके। इसकी खासियत ये है, यह हंटिंग डॉग है, ये हंट्स के लिए बना हुआ है। ज़्यादातर रैबिट्स और ये सब हंटिंग करना है इसकी वर्किंग एबिलिटी है। यूजुअली इंडिया के अंदर इसको पिटबुल के साथ गिनती कर लेते हैं कि ये पिटबुल है, अमेरिकन पिटबुल। पर ये ग्रुप स्टैनफोर्डशायर टेरियर, अमेरिकन स्टैनफोर्डशायर टेरियर वो ग्रुप से बिलोंग करता है। ओके। और ये मीडियम साइज डॉग है, मतलब लार्ज साइज है? नहीं, ये मीडियम साइज डॉग है। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हाइट 25 इंचेस तक होती है मेल की। और इसको अगर मतलब कि ये ब्रीड कम मैंने भी देखी है, तो अगर जानकारी चाहिए किसी को कि ये प्योर ब्रीड में है तो वो कैसे पता लगाएगा प्योर ब्रीड में? देखिए, जानकारी कैसा है कि ये अभी ये तो पपी स्टेज में है, ठीक है। जब ये 2 महीने का हो जाएगा, ठीक है, सबसे मेजर बात इसकी जो हेड है, इसका हेड हमेशा ब्लॉकी होना चाहिए। ब्लॉकी हेड, वेल डेवलप्ड चिक्स और टेरियर फ्रंट। ओके। अच्छा, ये जो टर्म्स है ये आपको गूगल के ऊपर आप सर्च करोगे तो ये टर्म्स के ऊपर आपको ज़्यादा लाइट दे सकता है गूगल। ओके। बिकॉज टेरियर फ्रंट, ब्लॉकी जॉ, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स अमेरिकन स्टैनफोर्डशायर टेरियर की है। और पिटबुल जो होता है, पिटबुल भी वैसा ही है, बट पिटबुल का जो जॉ होगा वो ज़्यादा चीकी नहीं होगा, ज़्यादा हेड बड़ा होगा। ओके। हेड की जो विड्थ होगी वो बड़ी होगी, चीकी नहीं होगा, यहाँ से उसके चीक नहीं डेवलप होंगे। और इसकी एज क्या होगी अभी? अभी ये 35 डेज का पप है। 35 डेज का है। ओके। और ये अगर मार्केट में लेना चाहें तो उसका क्या प्राइस मिलता होगा? सर, इस इंडिया के अंदर बहुत कम ब्रीडर्स हैं जो अमेरिकन स्टैनफोर्डशायर टेरियर ब्रीड कर रहे हैं। 2 से 3 ही ब्रीडर होंगे। और ये वेरी करता है कि किस टाइप का पपी उनने प्रोड्यूस करा है। ये 65,000 का पपी है। ओके। 65,000 के आसपास ही आपको मिल जाता होगा, मतलब 60,000 तो मिनिमम आपका बजट होना ही चाहिए। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनका बजट 5-10 हज़ार है तो वो पोमेरियन के लिए 10,000 का बजट है तो कॉल करें। इसके लिए आपका 10,000 का बजट नहीं चलेगा, 60, 50, 60, 70 के आसपास आपका बजट होना चाहिए। जैसे हमने साइबेरियन हस्की का मुन्ना भाई का भी वीडियो बनाया था, उनमें भी बताया था, इसलिए करते हैं लोगों दोस्तों आप लोगों को अवेयर किए। कुछ लोग 50,000 का माल 5,000 में मांगते हैं तो वो थोड़ा सेलर भी बेचारा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो आपको अकेले को उसको एंटरटेन नहीं करना होता, उसको दिन के काफ़ी कॉल आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा इस बात का ख्याल रखिएगा। और रोजर भाई साहब, आपके यहाँ जैसे कि 3 ब्रीड हमने देखी, तो अगर किसी को इसके अलावा ब्रीड चाहिए, जैसे हस्की चाहिए या आप कह सकते हैं कि इनको जर्मन शेफर्ड TSD चाहिए, तो मिल जाएगी? सारी ब्रीड हमारे पास अवेलेबल होती है। ओके। 356 ब्रीड्स है डॉग के अंदर, जो भी इंडिया के अंदर ब्रीड हो रही है वो सारी ब्रीड हमारे पास मिल जाएगी। ओके। तो रोजर भाई साहब, ये अब इसका जो है कि जैसे कहते हैं कि इसको ट्रेनिंग करना इसको कितना इजी है, जैसे बाकी डॉग्स होते हैं डोबरमैन है या उसके कंपेयर में? ट्रेनिंग इनकी डोबरमैन अगर आप कंसीडर कर रहे हो डोबरमैन के साथ जी, तो डोबरमैन से अच्छे ट्रेन हो जाते हैं, ये जल्दी ट्रेन हो जाते हैं, फास्ट ट्रेन होते हैं डोबरमैन से। ओके। इनकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनने बहुत अच्छा काम किया था मिलिट्री के साथ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में US के अंदर, क्योंकि अमेरिकन ब्रीड है, अमेरिकन स्टैनफोर्डशायर टेरियर, तो ये ब्रीड मिलिट्री के साथ बहुत अच्छा काम करी थी उस टाइम पे। अच्छा। इनको ये ब्रीड हंटिंग के लिए काम में आती है। दूसरा, इनकी खासियत ये है कि ये जितने अग्रेसिव है हंटिंग के लेके, स्पोर्ट्स को लेके, उतने ही फ्रेंडली है अपने जो इन लोगों फैमिली के साथ। ओके। जिसके साथ भी ये रहते हैं, इनका जो भी गार्डियन होगा उनके साथ उतने ही वो फ्रेंडली रहते हैं। ओके। इनको रोज एक्सरसाइज वगैरह भी फिर तो करवानी पड़ती होगी, क्योंकि ये मिलिट्री के डॉग है, कंपलसरी डेली एक्सरसाइज तो इनकी जरूरी है। ओके। कोई भी मीडियम साइज डॉग है, जर्मन शेफर्ड ले लो, डोबरमैन ले लो,
लैब्राडोर ले लो, उनको डेली एक्सरसाइज तो चाहिए, 2 किलोमीटर वॉक डेली होना ही चाहिए फिटनेस के लिए। और जैसे आपने इंटेलिजेंस की बात की, तो मतलब ये टीचिंग, मतलब इनको आप एज अ फर्स्ट पपी पाल सकते हैं? नहीं, फर्स्ट पपी के लिए ये ब्रीड नहीं है। अच्छा, ये फर्स्ट ओनर के लिए ब्रीड नहीं है, फर्स्ट ओनर के लिए ये ब्रीड नहीं है। मतलब इनको आगे चल के, मतलब जितना बड़ा होगा इनको टेक केयर करना, तो उतना डिफिकल्ट होगा। उतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए डॉग्स के रिलेटेड, के डॉग्स क्या उनको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितनी एक्सरसाइज चाहिए, कितना उनके पास अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए। ये डॉग्स कैसे है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मांगते हैं। ओके, तो डॉग्स कैसे है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। डॉग्स क्या है पता है, ये जनरली आए हैं वुल्फ में से, तो ये लोग पैक में चलते हैं। अच्छा, जो पैक होगा इनका जो फैमिली है, जैसे 4 का है या 6 का है 4 का है 3 का है, जो भी इनका फैमिली है, जितने अंदर पर्सन है, वो ये लोग उनको पैक समझेंगे। ठीक है, वो पैक के अंदर उनका एक अल्फा होगा जिसको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। हाँ। अल्फा को। हाँ। ठीक है, तो वो उनसे ज़्यादा ये मांगेंगे कि मेरे पास ज़्यादा ये ध्यान दे, मेरे से काम करवाए, क्योंकि ये वर्किंग डॉग है, ये काम करने के लिए बने, हंटिंग करने के लिए बने। Okay. तो ये हंट जो करते हैं तो वो उनका काम है, तो वो काम उनको देना पड़ता है। तो आप उनसे कोई भी काम करवाइए, पर लेकिन जैसे कि आप लैब्राडोर हो गए, लैब्राडोर भी वर्किंग डॉग है, लैब्राडोर्स भी रिट्रीवर है, तो उनसे भी काम, उनका भी काम होता है। पर इंडिया के अंदर क्या हो गया कि वो लैब्राडोर को खिलाया पिलाया और रख दिया। Okay. तो इस वजह से वो ओबेसिटी में ज़्यादा आते हैं। लैब्राडोर अच्छे स्विमर भी माने स्विमर कैनेडा की ब्रीड है वो, कैनेडियन लोग ने उसको इसलिए बनाया था, वो ब्रीड को डेवलप किया था कि नेट जो होती है फिशर्स की, जो नेट होती है वो बीच में जाके, नदी के बीच में जाके लगा के वापस आ सके। ओके, तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दोस्तों मिली। एक और क्वेश्चन मैं रोजर भाई को तकलीफ दूंगा कि इसको क्या सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए डॉग पालते हैं, गार्ड डॉग के लिए भी बहुत अच्छा डॉग है। अगर आप गार्डिंग करवाना चाहते हो अपने एरिया में, फार्म हाउस को, सबसे बेस्ट गार्ड डॉग चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन के आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एक आखिरी क्वेश्चन कि जो फर्स्ट ओनर अगर देख रहे हैं, तो फर्स्ट ओनर के लिए कौन सी ब्रीड आप सजेस्ट करेंगे कि वो फर्स्ट ओनर को पालनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो पोमेरियन और सेकेंड है लैब्राडोर। लैब्राडोर, मैंने भी दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है, आपको आने वाले दिनों में इसके ऊपर मैं काफ़ी आपको एपिसोड देने वाला हूँ कि फर्स्ट ओनर को कौन सा डॉग पालना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एपिसोड पसंद आएगा, पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर खरीदना है, प्राइस का परफेक्ट जानना है, आप जब भी कॉल करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर छोड़ दिया है, आप वहाँ कॉल करके प्राइस एग्जैक्ट जान सकते हैं। मिनिमम बजट 60-65 के आसपास हो, उसके आसपास हो तो आप कॉल करिएगा, वरना दोस्तों दूसरी ब्रीड के लिए कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रीड उस बजट में आपके नहीं आएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।